नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं ताजा तरीन खबरों को फटाफट अंदाज में। लखनऊ में इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ, अभ्युदया तथा पृथ्वी इनोवेशन संस्था की ओर से गोमती नदी के किनारे सफाई अभियान चलाया गया, जहां लोगों द्वारा फेंकी गई टूटी मूर्तियों और अन्य कचरों की सफाई की गई। इसके बाद इकट्ठा हुए कचरे को हटाने के लिए नगर निगम को सूचित किया गया। सिद्धार्थनगर में नदियों की रफ्तार धीमी होने के बावजूद जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। राप्ती किनारे के टूटे बांध और राप्ती के बांधों में गैप के सैलाब से कई गांव जलमग्न हैं। ऐसे में समाज सेवी व कांग्रेस नेता मनोज पाठक ने अपनी टीम के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद कर उन्हें राहत सामग्री बांटी। हरदोई के सनीला नगर के वॉल्ट नंबर 2 में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे वोट बढ़ाओ कार्यक्रम के तहत कैंप लगवाकर वोट बनवाने का काम किया गया। इस कैंप का आयोजन बीजेपी नगर मंत्री अमर गुप्ता ने मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में किया। राजधानी लखनऊ में निकाय चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में उदयगंज इलाके के पार्षद हर्षित दीक्षित ने कहा कि मैंने क्षेत्र की जनता की हर समस्या सुनी है और इसे दूर किया है, लिहाजा मुझे लगता है कि इस बार भी क्षेत्र की जनता मुझ पर भरोसा जताएगी। लखनऊ के मलियाबाद क्षेत्र में सपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये श्रद्धांजलि सभा पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामगोपाल यादव के आवास पर रखी गई थी। यहां सैकड़ों कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला जारी है, जहां बिल्डर ने लेखपाल और चकबंदी अधिकारी की मदद से ये सेक्टर आई में तालाब और शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि सीएम योगी इन दिनों अवैध कब्जे को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। फिरोजाबाद के निमरा मस्जिद में कादरी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुल नबी की महफिल सजाई गई, जिसमें मदरसा तालिमुन नबी कादरिया के सभी बच्चों ने प्यारे नबी की प्यारी नाते और बातें बयां की। इस महफिल में मुख्य अतिथि के तौर पर चेयरमैन प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद ने शिरकत की। कानपुर देहात में खादी ग्राम उद्योग योजना के तहत सरकार ने कुम्हारों के लिए चाक की व्यवस्था तो कर दी थी, जिससे उन्हें काम में और आसानी मिल सके। जो दिए वो हाथ से बनाते थे उसे वो चाक से बना सके, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से कुम्हारों का चाक नहीं पहुंची है। कुम्हारों ने चाक के साथ फोटो तो खिंचवा ली है, लेकिन उन्हें अभी तक चाक नहीं मिल पाई है। झांसी नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की वजह ट्रक ड्राइवर के अचानक ट्रक को मोड़ना बताया जा रहा है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में यूपी सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लंपी वायरस के बारे में बताया कि इस बीमारी से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हरदोई के हरियावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर ने गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और पुलिस से आशा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रोडवेज बस डिपो के चालक व परिचालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए लाखों रुपए के जेवरातों से भरे बैग को लौटा दिया है। वहीं अपनी कीमती सामान वापस मिलने के बाद यात्री के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 यात्रियों के बीच कहासुनी के बाद एक यात्री ने दूसरे यात्री को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। दिल्ली के विख्यात कॉलेजों में शुमार मिरांडा हाउस कॉलेज में लड़कों के दीवार फांद कर घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद लड़कियों ने छेड़छाड़ और शोषण के आरोप लगाए हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस और कॉलेज प्रशासन को नोटिस भेजा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने मोदी शाह होश में आओ के नारे लगाए। तमिलनाडु में एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने अपने कर्मचारी को दिवाली पर कार और मोटरसाइकिल का तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि ये तोहफा उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी ने अपना वोट डाला। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली कार्यालय में अपना वोट डाला। शाहरुख खान के बेटे अबराम ने टाइक्वांडो मैच में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद बेटे की जीत से गदगद शाहरुख खान ने स्टेज पर जाकर बेटे का माथा चूमकर उसे बधाई दी। T20 वर्ल्ड कप से पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वार्म अप मुकाबले में भारत ने 6 रन से शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मिले 187 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 180 रन ही बना पाई।
फेस्टिवल सीजन में शराफा बाजार में गोल्ड सिल्वर के दाम घटते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को सोने चांदी दोनों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 50,315 रुपए है, तो वहीं 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 55,452 रुपए तक आ गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे अपना पसंदीदा चैनल माई भारत न्यूज़।